सफल बने, समर्थ बने, बने पावन जीवन। मीठी मुरली सुन के आए सुख सघन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, रोज बीचा सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये दोनों बातें हमें याद करना है तो हमारे जीवन सुखमय बन जाएगा। बाबा कहते हैं खुशी का पारा चढ़ेगा कि विचार सागर मंथन करना है। अपनी उन्नति के लिए रोज पता मेल रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जिस प्रकार से स्टूडेंट स्कूल में पढ़ के आता है तो अपना होमवर्क करता है, तो उसी प्रकार हम स्टूडेंट हैं। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। कौन नहीं चाहता है आगे बढ़ने के लिए, कौन नहीं चाहता है सब कुछ सफलता हमें मिले, तो उसके लिए बाबा कहते हैं मुरली का चिंतन बहुत आवश्यकता है, दिव्य गुण धारण करना है। बाबा आज बहुत प्यारा सा गीत याद कर रहे हैं। दूर देश के रहने वाला आया देश पर आया, दूर देश के रहने वाला। सचमुच परमात्मा कितना दूर परमधाम में रहते हैं, वो इस साकार सृष्टि में आए हैं। तो बाबा ये गीत याद कर रहे हैं, भल कितना भी बड़ा विद्वान हो पंडित हो इनका अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि है भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसी को भी वो पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी हम बच्चे समझते हैं। बाबा कहते हैं शुरू से लेकर अभी तक जो भी हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है, क्योंकि भगवान हम बच्चों को ज्ञान दिए हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। अगर खुशी में रहना है, संगम युग में रहना है, तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं यहां बैठे हो लेकिन बुद्धि कहां रहनी चाहिए, मूल वतन याद आना चाहिए, स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्माएं रहती है, मेरा घर है, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूं। बाबा कहते हैं ये चलते फिरते उड़ते बैठते याद रहनी चाहिए। फायदा कुछ भी नहीं, भल कितना भी शास्त्र हम पढ़ते हैं फायदा कुछ भी नहीं, वो सब है उतरती कला के निशान। बाबा स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सम्मुख बैठ के पढ़ा रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में कोई अच्छा टीचर होगा वो सामने बैठा हो और पढ़ा रहा हो कितनी खुशी होगी, तो स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनसे कितना प्यार है, भक्ति खुशी होनी चाहिए। बच्चे जानते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग हैं, यह सदगति के लिए नहीं है। बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए, लेकिन हमें क्या याद रहना चाहिए कि स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, अथाह सामग्री है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं तुम गिरते आए हो, जितनी भक्ति करते आए गिरते आए, अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाने का सब छूट गया, जानते हो बाकी अभी थोड़े समय है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तमो प्रधान से स्वतो प्रधान बन जाएंगे, फिर स्वतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कलप कलप अनेक बार बाप ने बनाया है, फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर होशियार बनना है, हम सब स्टूडेंट है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना होशियार बनेंगे, और चलन का रजिस्टर भी रखना है। बाबा कहते हैं देवी गुण धारण करना है। बार बार हम बच्चों को बाबा याद दिला रहे हैं कि पुरुषार्थ क्या करना चाहिए और कैसी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना है क्योंकि देवता बन रहे हो,
जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करना है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, उनके फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपना पाठ बजाया। भगत, तुमको तो बिल्कुल शांति में शिव बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं है, वो तो शमशान ले जाते हैं, आवाज करते जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम संग है बोल देते हैं। तुमको कुछ भी नहीं कहना, तुम साइलेंस में विश्व पर जीत पाते हो। उनकी है साइंस और तुम्हारा है साइलेंस। साइलेंस की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा कहते हैं, भगते सब कुछ भूल जाना है ज्ञान से भी परे। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है। रूप और वसंत, बाबा भी रूप वसंत है ना, रूप भी है और वसंत भी है, उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी होते हैं, मनुष्य हैं कहां मरे तो दुख की दुनिया से छूटे। कहते हैं बस इस दुनिया से मर जाओ तो दुख की दुनिया से छूटे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, कभी किसी को भी दुख ना दो, घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो, हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं बाबा। बाबा पूछते हैं यह हालत होती है, बाबा से पूछते हैं इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लिया है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, मुझे याद करो। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे इस पर जीत पानी है, मैं आया हूं पवित्र बनाने, तुम बच्चों को राइट रंग अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है, यह लक्ष्मीनारायण है एम ऑब्जेक्ट। हम बच्चों का लक्ष्य क्या है, सत्य में जाना है, तो ये एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने होना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों में माथा नहीं मारो, जो भक्त है ना उनको ज्ञान सुनाओ। डॉक्टर लोग देखने से ही झट से समझ जाते हैं क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अमजल खान वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्म के लिए हेल्दी वेल्दी बनाते हैं, यहां तो है सब रोगी अनहेल्दी, वहां तो कभी रोग होता नहीं। कहां बाबा सत्यु की बात कहते हैं, तो वहां जाने के लिए बाबा कहते हैं योग बल से अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। बाबा कहते हैं यज्ञ भी है, यह लास्ट है, फिर आधा कल्प यज्ञ होगा ही नहीं, इसमें सारा कीचड़ा स्वाह हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी, फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है, वहां की सुविरस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती है। बाबा सत्य के बारे में कितना आनंद, कितनी खुशी, कितना सुख यहां मिलता है सत्य में, तो उस दुनिया में हम बच्चों को चलना है। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छे पुरुषार्थ करो। बाबा धारणा में कहते हैं बाप ने राइट रंग को समझने की बुद्धि दी है, अर्थात ज्ञान दिया है, उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करना है, किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है, अपनी उन्नति के लिए पुतामल रखना है। कोई दुख देने वाली बात करता है तो सुनी अनसुनी कर देना। बाबा वरदान में कह रहे हैं सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है, उनके और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे, वो सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे, विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा,
सर्व कंप्लेन समाप्त हो जाएगी, कोई भी कारण नहीं होगा, कंप्लीट स्थिति का अनुभूति होगी, मतलब संपूर्णता का अनुभव, और सहज योगी होंगे। बाबा सारी निशानियां बता दी हैं कि अगर सर्व संबंध का अनुभव है बाबा से तो निशानियां क्या क्या होगी। बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा होना। तो आज की मुरली को और गहराई से चिंतन करेंगे, इसी के साथ आज सोमान लेंगे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं और परमात्मा से सर्व संबंध रखने वाली आत्मा हूं। इसी के साथ 24 घंटा अनुभव करेंगे, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।